तेनालीराम और उपहार। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन पड़ोसी देश का दूत आया। वह राजा कृष्णदेव राय के लिए अनेक उपहार भी लाया था। विजयनगर के दरबारियों ने दूत का खूब स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन जब दूत अपने देश जाने लगा तो राजा कृष्णदेव राय ने भी अपने पड़ोसी देश के राजा के लिए कुछ बहुमूल्य उपहार दिए। राजा कृष्णदेव राय उस दूत को भी उपहार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूत से कहा, हम तुम्हें भी कुछ उपहार देना चाहते हैं, सोना चांदी हीरे रत्न जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। महाराज मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हैं तो कुछ और दीजिए, दूत बोला। महाराज मुझे ऐसा उपहार दीजिए जो सुख में दुख में सदा मेरे साथ रहे और जिसे मुझसे कोई छीन न पाए। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय चकरा गए। उन्होंने उत्सुक नजरों से दरबारी की ओर देखा, सबके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है। तभी राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की याद आई, वह दरबार में ही मौजूद था। राजा ने तेनालीराम को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुम ला सकते हो ऐसा उपहार जैसा दूत ने मांगा है? अवश्य महाराज, दोपहर के समय जब ये महाराज यहाँ से प्रस्थान करेंगे वह उपहार उनके साथ ही होगा। नियत समय पर दूत अपने देश को जाने के लिए तैयार हुआ। सारे उपहार उसके रथ में रखवा दिए गए। जब राजा कृष्णदेव राय उसे विदा करने लगे तब दूत बोला, महाराज मुझे वह उपहार तो मिला ही नहीं जिसका आपने मुझसे वायदा किया था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा और बोले, तेनालीराम तुम लाए नहीं वो उपहार? इस पर तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज वह उपहार तो इस समय भी इनके साथ ही है, लेकिन ये उसे देख नहीं पा रहे, इनसे कहिए ज़रा पीछे पलट कर देखें। दूत ने पीछे मुड़कर देखा मगर उसे कुछ भी नज़र ना आया। वह बोला, कहाँ है वो उपहार, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, अरे ज़रा ध्यान से देखिए दूत महाशय, वह उपहार आपके पीछे ही है। आपका साया अर्थात आपकी परछाई सुख में दुख में जीवन भर ही आपके साथ रहेगा और इससे कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। यह बात सुनते ही राजा कृष्णदेव राय की हंसी छूट गई। दूत भी मुस्कुरा पड़ा और बोला, महाराज मैंने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की काफ़ी तारीफ सुनी थी, आज प्रमाण भी मिल गए। तेनालीराम मुस्कुरा कर रह गया। तेना